गाइस सो इट्स मी प्रे एंड टूडे वी आर टॉकिंग अबाउट डू लुक्स मैटर अब मुझे पता है जिस जिसने इस वीडियो पर क्लिक किया है वो कहेगा लुक्स नेवर मैटर इट्स अ बैड थिंग टू जज समवन जस्ट ऑन लुक्स तो भाई लोग मैं भी यही सोचती थी फिर मैंने रियलिस्टिक होना शुरू किया और मुझे पता लगा कि यार लुक्स डू मैटर हाउ लेट मी टेल यू वी विल डिस्कस अ फ्यू सीनैरियोज़ जिसमें हम देखेंगे कि यार लुक्स कैसा रोल प्ले करता है मगर उससे पहले आप ये जान लें कि बाई लुक्स आई ऑल्सो मीन योर प्रजेंटेशन स्टाइल अपेरेंस मैनेजिंग दैट अपेयरेंस आई डो नॉट मीन के कौन कितना लंबा है कितना काला है कितना गोरा है कैसी नाक है एंड सो ऑन ओके दोज थिंग्स आर नैचुरल और कोई भी इंसान जैसा भी हो वो खूबसूरत होता है और वो बहुत खूबसूरत दिख सकता है इफ़ दे वर्क ऑन देअर प्रजेंटेशन कपड़े एंड स्टफ और राइट नाट सर्जरी ओके दिस इज नॉट द पॉइंट ऑफ दिस वीडियो जब कोई भी चीज़ आपको खूबसूरत या क्लासी लगती है तो आप उस पर ऑटोमेटिकली अट्रैक्ट होते हैं इट्स वेरी नेचुरल पर उसके साथ साथ आप उसको अच्छा भी समझते हैं कैसे अगर एक शख्स बहुत खूबसूरत है तो कहीं ना कहीं आपका दिमाग कहेगा कि या ये स्मार्ट इंटेलिजेंट और ऑनेस्ट भी होगा इट इज़ कॉल्ड हेलो इफेक्ट हेलो इफेक्ट कहता है कि हम एक अच्छाई या बुराई देख के पूरी चीज़ या इंसान को जज कर लेते हैं जस्ट लाइक like, जब आप एक अच्छे फैंसी रेस्टोरेंट में खाना खाने जाते हैं तो आप पहले ही सोच लेते हैं कि यार यहाँ का खाना तो बहुत डिलीशियस होगा और एक अच्छी सी प्रेजेंटेशन में अगर आपको एक एवरेज टेस्ट वाला खाना भी दिया जाए तो आपको वो ज़रूरत से ज़्यादा अच्छा लगेगा एंड इन फैक्ट अगर आपको वही रेसिपी कोई बना के दे विदाउट प्रेजेंटेशन एंड फैंसी पने ऑफ रेस्टोरेंट आपको वो डिश उतनी अच्छी नहीं लगेगी उसी तरह जब आप किसी को देखते हैं बींग प्रजेंटेबल एंड गुड लुकिंग एंड ऑल यू नो सॉर्टेड तो आप ऑटोमेटिकली सोचते हैं यार ये तो बहुत अच्छा इंसान है और आप उससे दोस्ती करना चाहते हैं जबकि वही इंसान प्रेजेंटेशन में थोड़ा कम और ख़ामोश हो तो यू विल से यार ये रूड है और ए वही है दोनों सिचुएशन में आपने उसको सही से जाना नहीं है ना बात की है पर उसके लुक्स के बेसिस पर आपने एक जजमेंट बना लिया है अब जो इंसान लुक्स में अच्छा है उसको आपकी नज़रों में अच्छा बनने के लिए ज़्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ेगी पर जो बुरा है उसके तो लग गए ही हैज़ टू वर्क अलॉट हार्डर एंड बी अ मच बेटर पर्सन फॉर बींग गुड इन योर आइज़ अगर वो छोटी सी भी गलती करेगा आप कहोगे यार मुझे तो पता ही था मुझे तो देखने से ही लग रहा था ये कोई सही बंदा नहीं है और यही वजह है कि हमें कहा जाता है कि यार इंटरव्यूज़ में ठीक से तैयार होकर जाएं एंड मेक योर सेल्फ प्रजेंटेबल रिलेशनशिप्स में भी यही होता है जो लोग ज़्यादा खूबसूरत हैं या जिनको अपने लुक्स मैनेज करना आता है वो ज़्यादातर अप्रोच किए जाते हैं फॉर रिलेशंस और वही लोग आपको ज़्यादातर अच्छे लगते हैं और जो थोड़े एवरेज हैं या दे डोंट केयर अबाउट देयर लुक्स उनको आप ज़्यादातर अप्रोच नहीं करते हैं पर रियल शॉक की बात पता है क्या है एक स्टडी है जिसके मुताबिक अगर एक क्रिमिनल गुड लुकिंग है तो उसकी भी पनिशमेंट नॉट सो गुड लुकिंग पर्सन से कम होगी इवन दोनों ने सेम जम किया है सेम क्राइम किया है सो यू सी लुक्स मैटर टू पीपल लुक्स मैटर टू सोसाइटी नाउ द पॉइंट इसके लोग कहते हैं लुक्स मैटर अदरवाइज यू वोट हैव एनी थिंग अब ये सच नहीं है मगर हाँ इफ़ यू आर गुड इन लुक्स चाहे लड़के हो या लड़की हो यू आर लाइकली टू गेट बेटर अपॉर्चुनिटीज़ एंड इफ़ यू डोंट वर्क ऑन द होल लुक्स एंड अपेयरेंसेज देन यू विल स्टिल गेट एवरी पर ज़्यादा टाइम लगेगा ज़्यादा डेडिकेशन लगेगी इट्स लाइक like आपको एक कमरे में जाना है ठीक है और उसकी चाबी आपका लुक्स है लेकिन उसके बाद आपका लुक्स कुछ नहीं कर सकता वंस आप दरवाजे के अंदर चले गए तो आप अपना इम्प्रेशन थ्रू पर्सनैलिटी बिहेवियर और इंटेलिजेंस से ही बना सकते हैं सो यार लॉन्ग लास्टिंग रिलेशनशिप्स बिजनेस वगैरह सब आपकी बाकी चीज़ों पर डिपेंड करता है पर उस रिलेशन की चाबी आपकी लुक और प्रेजेंटेशन है अब ये भी नहीं है कि सिर्फ लुक्स पर फोकस करें पर यह भी नहीं है कि उसको इग्नोर कर दें मे बी टेन परसेंट लुक्स को भी वैल्यू दें बिकॉज इवन दो दिस इज़ एक्सट्रीमली रॉन्ग लोग फिर भी आपके लुक्स को वैल्यू देते हैं अगर आप उन लोगों में से हैं तो कोशिश करें कि आप इस हरकत को कंट्रोल करें ठीक है सो द मोरल ऑफ दिस वीडियो इज़ के यार लुक्स डू मैटर और हमें लुक्स पर भी थोड़ा बहुत ध्यान देना चाहिए मीटिंग्स में स्वेटशर्ट में जाना इज इन रियली अ गुड आइडिया आप बिल गेट्स हो देन चाहे लोगों को अच्छा लगे या ना लगे वो आपकी तारीफ करेंगे और आपका साथ देंगे यू नो द होल लुक द पार्ट dress to impress, it's all true. so basically, look the part you wanna get, right? and try to focus on that as well. i have seen a lot of people are intelligent hota hai, behavior, then it's not really tough. right? you can do it, trust me. i was not really a good-looking and, you know, all that presentable person. But eventually, I started getting there. And now, I not I know. But I'm getting there, right? So, yeah. That's it for this video. I really hope you liked it. If you liked it, make sure to give this video a thumbs up. Do subscribe for more such weird, stupid advices. <laughs> no, I mean seriously.